नमस्कार, बहुत स्वागत है बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में मीडिया सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं। आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में मौजूद है। कल ही वो वाराणसी पहुंच गए थे और अभी मीडिया सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इससे पहले हम आपको बता दें कि कल वाराणसी जब पहुंचे अमित शाह तो उन्होंने रोड शो भी देखा, उससे पहले गंगा आरती में भी शामिल हुए। और तमाम जो तैयारियां हैं कल के रोड शो को लेकर, पीएम का जो कल रोड शो होना है उससे पहले तैयारियों को परख रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र, अमित शाह कल ही वाराणसी पहुंच गए हैं, आज भी उनके कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं और कल पीएम मोदी का जब रोड शो होगा उसे लेकर कैसी तैयारियां हैं उन्हें भी लगातार परख रहे हैं। आज के पूरे दिन के क्या कार्यक्रम अमित शाह के रहेंगे जरा बताइए। देखिए, आज गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह मीटिंग ली और उसके बाद आज जो इकलौता कार्यक्रम था वो था मीडिया सेंटर का उद्घाटन, जो इस वक्त उन्होंने कर दिया है। कुछ देर पहले मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। अब मीडिया कर्मियों से वो अनौपचारिक बातचीत कर रहे हैं। हालांकि अभी उसको मीडिया कवरेज के लिए उन्होंने मना किया है, लेकिन अभी जो अनौपचारिक बातचीत हो रही है, आप ये देखिए, वहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह मौजूद हैं और वहाँ पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत कर रहे हैं। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन और रोड शो की बात करें तो वो उसके बाबत कल उन्होंने दो मीटिंग की थी और दो मीटिंग में जो पहली मीटिंग थी वो नामांकन को लेकर थी, दूसरी मीटिंग रोड शो को लेकर थी और दोनों ही मीटिंग पूरी हो गई। यानी कि जो शेष तैयारियां थी जिन पर मोहर लगना था वो गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग में लग गई। खास बात यह है कि सबसे पहले प्रस्तावक के नाम की जो चर्चा थी, चार प्रस्तावक तय करने थे, उस पर भी प्रस्तावक भी लगभग फाइनल हो गए हैं और उस पर फाइनल मोहर लगना बाकी है। इसके अलावा और जो नामांकन का जो पहले जो रोड शो है, रोड शो को भी जहां से शुरू होगा, रोड शो लंका मालवीय प्रतिमा से, वहां से रोड शो जाके काशी विश्वनाथ धाम में ख़त्म होगा। उसके बाद क्या रूट होगा इस पर बैठक में चर्चा हुई, वो भी तय हो गया है। और इसके अलावा जो अगले दिन नामांकन होगा वो किस रूपरेखा में होगा वो भी तय हो गया है। जो छन की खबर आ रही है उसमें ये तय हुआ है कि जो अगले दिन का नामांकन होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी DLW गेस्ट हाउस से निकलकर सीधे बाबा काल भैरव मंदिर जाएंगे। वहाँ पर काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, बाबा काल भैरव की इज़ाज़त लेंगे और उसके बाद वो सीधे पहुंचेंगे नामांकन स्थल, नामांकन करेंगे। और नामांकन में उनके जो चार प्रस्तावक है वो भी तय हो गया है। तो चार लोगों के नाम की चर्चा है, उसमें आचार्य द्रविड़ की भी चर्चा है जिन्होंने राम मंदिर का और काशी विश्वनाथ धाम का मुहूर्त निकाला था। इसके अलावा एक महिला की चर्चा है जो पद्मश्री अलंकृत हो सकती हैं, तो उसमें दो लोगों के नाम की बेहद चर्चा है, डॉक्टर सोमा घोष की और डॉक्टर चूड़ामणि की। इसके अलावा एक माझी समुदाय से एक व्यक्ति प्रस्तावक में हो सकता है और दूसरी जो एक चर्चा है कि जो एक अन्य समाज में होंगे वो भी पद्मश्री अलंकित होंगे। तो चार नामों को भी लगभग तय कर लिया गया है, किसी भी पल उसका औपचारिक जो ऐलान है वो हो सकता है। तो अब सिर्फ और सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। सारी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन और रोड शो से जुड़ी जो तैयारी थी उसके बाबत बैठक में सब कुछ तय कर लिया गया है और अब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मीडिया सेंटर में हैं और मीडिया सेंटर में उन्होंने मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया कुछ देर पहले और मीडिया से अनौपचारिक बातचीत कर रहे हैं। तो अभी और कितनी देर तक यहाँ पर रुकने का कार्यक्रम है उपेंद्र? मीडिया सेंटर का उद्घाटन उन्होंने कर दिया है और इसके बाद आगे के जो कार्यक्रम है, जैसे कि आपने बताया कि अब लगातार बैठकें भी कर रहे हैं, कौन कौन मौजूद है बैठकों में और किस तरह से गाइड किया जा रहा है कल के रोड शो को लेकर और परसों होने वाले नामांकन को लेकर? तो लगता है उपेंद्र से संपर्क नहीं हो पाया है। फिलहाल आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार मीडिया सेंटर जो यहाँ पर बनाया गया है उसका भी उद्घाटन कर दिया है अमित शाह ने और इससे पहले उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक भी ली, नामांकन को लेकर भी वहां पर चर्चा की गई, क्योंकि 14 तारीख को नामांकन भरेंगे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।